वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद एनिया। तो आज हम बना रहे हैं मज़े मज़े के क्लब सैंडविच। तो क्लब सैंडविच के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लें, फिर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी क्या क्या करना है। तो चिकन जो है इसको मैंने बॉईल कर लिया है। मार्जरीन ले लें या बटर ले सकते हैं। एग्स दो या तीन जितने आपने ऐड करने हैं यानी फ्राई करने हैं इनको। सलाद यानी कि सैलेड। कैबिज इसको आपने छोटी छोटी पीसीस में कटिंग कर लेनी है। मायनीज़ ले लेना है। ब्रेड जो है वो बिग साइज़ के लेने हैं। ब्लैक पेपर कुटी हुई और सॉल्ट हर्ब्स भी साइड का। तो हम पहला स्टेप आपको बताते हैं क्या करें। चिकन वाला बॉल लेंगे, उसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। बटर आपकी मर्ज़ी है ऐड करें या ना करें, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मायनीज, सॉल्ट हर्ब्स भी साइड का और ब्लैक पेपर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। माइनस वाला चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम सेकंड बॉल लेंगे। हम कैबेज ऐड कर रहे हैं और इसके बाद इस पर माइनस ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें हल्की सी शुगर ऐड कर सकते हैं, ये आपके पसंद है। कैबेज भी हमारी रेडी हो गई। अंडे जो है आपने हल्का सा नमक डाल के, अब मैं अंडे का बता देती हूँ, दो अंडे लेकर उसमें हल्का सा नमक और मिर्ची डाल के फिर आपने फ्राई कर लेने हैं। अंडे मैं आपको दिखा देती हूँ अंडे आपने कैसे फ्राई। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है, ऐसे पे आप बटर या मार्जरीन लगा लें। मैंने मार्जरीन पहले से लगा लिया, ठीक है। तीन ब्रेड के पीसेस ले लिए, तीनों पर मैंने बटर लगा लिया और ये वाला जो स्लाइस है इसके दोनों साइडों पर मैंने बटर लगा लिया। आप कुछ भी पहले लगा सकते हो, भले बटर वो चिकन लगाएं, भले दूसरे इंग्रेडिएंट्स लगाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि खाने में तो एक ही ये सैंडविच बनेगा। इसमें सलाद पत्ता लगा के कैबेज मेयोनीज लगाएं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, खीरे रखेंगे और रखेंगे टमाटर टेस्ट के लिए। फिर हम ये रखेंगे, इससे पहले हम एक एग रखेंगे, एग के बाद हम उसके ऊपर रखेंगे सलाद का पत्ता। तो आपने देखा कितने मज़े के और झटपट क्लब सैंडविच रेडी हो चुके हैं। तो खाने से पहले एक मज़े की गोल्डन बात सुनते जाइए। आए मेरे बेटे दना बन और मेरे दिल को शाद कर, ताकि मैं अपने मलामत करने वाले को जवाब दे सकूं। तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यकीनन आपको पसंद आई होगी रेसिपी। ओके, बाय।